थैंक यू सर जतू डीप फुल ब्लोज थैंक्स सैल्यूट। यही है मेरा एक इंडिया के साथ इंडिया टीम के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। अब और फिर देन मैंने अभी MI मुंबई इंडियंस के लिए नेट बॉलर था, जस्ट करेंट मुंबई इंडियंस का नेट बॉलर था, तो मुझे सर्टिफाई मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम इमरान हक फ्रॉम मुंबई, 25 ईयर्स, मुंबई लोकल क्रिकेट क्लब खेलता हूँ और इस साल MI नेट बॉलर में था। और 2011 में मैं वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था, तो मुझे बहुत मैं भी ऐसा सोचा कि मैं भी खेल सकता हूँ क्रिकेट, तो मुझे वहाँ से 2011 का वर्ल्ड कप देख रहा था लाइव, तो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ खेलने का। तो मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, तो वहाँ से मैंने एक लोकल क्लब था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना। वो अभी कैसे ऑफ सीजन चालू रहता है तो फिटनेस जिम आउटडोर ट्रेनिंग वगैरह चालू रहता है, और सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आउटफील्ड में ज़्यादा ट्रेनिंग करना रहता है और नेट में प्रैक्टिस करना रहता है, मतलब 1 घंटा तो कम से कम बॉलिंग करना रहता है फास्ट बॉलर को, तो पता चलता है अभी नए बॉल से डालना है, जूने बॉल से डालना है, फिर सेमिनी बॉल से डालना है, तो मैच में अपने को नया भी बॉल मिलता है, जूना भी बॉल मिलता है, सेमी भी बॉल मिलता है, तो नेट में अपने को क्या प्रैक्टिस करना है उस पर डिपेंड करता है, वो हिसाब से अपन प्रैक्टिस करते हैं नेट में। मेरा तो मैं जब इंडिया का नेट बॉलर बना 2023 में, जब भी मैं विराट कोहली को मेरा एक सपना था कि मैं विराट कोहली के साथ खेलना है मुझे, तो मैं जब विराट कोहली के साथ मैं जब नेट में बॉलिंग किया मैं बहुत खुश हुआ, मुझे वहाँ से लगा कि मेरे को एक सपना था कि मैं विराट कोहली के साथ खेलने के लिए, तो मेरा वही एक यादगार है कि मैं विराट कोहली के साथ शेयर किया ड्रेसिंग रूम, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रेसिंग रूम शेयर करके। यादगार तो यही है मेरा एक इंडिया के साथ इंडिया टीम के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। अब और फिर देन मैंने अभी MI मुंबई इंडियंस के लिए नेट बॉलर था, जस्ट करेंट मुंबई इंडियंस का नेट बॉलर था, तो मुझे सर्टिफाई मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ तो बहुत अच्छा ही था, बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छे अच्छे कोच थे, सेन बॉन थे, माइकल बॉलिंग कोच थे, माइकल सेन बॉन थे, मार्क बाउचर थे बैटिंग कोच, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ पे, और मुझे पता चल गया कि मैं बैट्समैन को डालने के लिए मुझे वहाँ पे यॉर्कर और लेंथ बॉल में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला मुझे। थोड़ा सा वही वीडियोस देख लेते, थोड़ा सा तो माइंड सेट थोड़ा चेंज करना पड़ता, अभी एक ही चीज़ को लेके चलेंगे तो नहीं होता ना मैम, यही रहता है लोकल मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करना रहता। अभी देख लिए हमारे इधर मुंबई में एक क्लब क्रिकेट होता है, एक कंपनी क्रिकेट होता है, टाइम शील्ड होता है, यहाँ पे एक कांगाली क्रिकेट क्लब होता है, एक बहुत बड़ा यहाँ प्लेटफॉर्म है, बस परफॉर्मेंस करिए, स्टेट बाय स्टेट जाते, फिर रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ता है, उसके लिए अच्छा सा परफॉर्मेंस करना देना पड़ता, बस और कुछ नहीं, और देन परफॉर्मेंस करेंगे तो सेलेक्टर भी अपने को फोकस करता है मैम। वो तो अभी तो मेरा बीच में 23 के लिए नाम आया था स्टेट के लिए, तो बट मेरा थोड़ा डाउन था, फिर मेरा नाम नाम कट गया, लेकिन मैंने थोड़ा 15 डेज मतलब मैं फ्रस्ट्रेट में था, मुझे बहुत लोग मोटिवेट किया, इमरान तू बहुत अच्छा करेगा, तू ये सब स्ट्रगल है तेरा, अभी स्टार्ट हुआ है, तू इतना टेंशन मत ले, होगा तेरा, तू अच्छा कर रहा है, तो देन कुछ नहीं बस इंजॉय कर रहे हैं, और जो भी होगा गॉड फादर का। मेरे को तो सबसे ज़्यादा यही है कि मुझे मुंबई इंडियंस में सैन बॉन जो स्पेशली जो 160+ स्पीड से डालते हैं, मुझे वहाँ यॉर्कर बॉल ज़्यादा सीखने, डेड ओवर्स में जो यॉर्कर होते हैं वो मुझे सीखने को मिला मुंबई इंडियंस में,
मुझे तो फास्ट बॉल, मैं तो अच्छा लेग स्पिनर था, तो मुझे सर एक संतोष सक्सेना जो रेलवे के इंडिया ए भी खेले और देन अभी मुंबई रणजी ट्रॉफी के कोच भी है, तो मुझे वो बोले कि तेरा हाइट अच्छा है, तू एकदम फास्ट बॉलर बन सकता। अच्छा, तो मैं थैंक यू फॉर संतोष सक्सेना कि मुझे उनकी वजह से मुझे आज फास्ट बॉलर में मतलब रे आज तैयार हुआ हूँ राइट आर्म मीडियम पेसर। बस उनको यही बोलूँगा कि आप अपने फोकस करिए ग्राउंड ट्रेनिंग में, जिम में, डाइट में, और जो भी कर रहे हो अपने फोकस माइंडसेट में क्या रहता है, आज मेरे को क्या करना है, कल क्या करना है, कितना कितना घंटा सोना है डिपेंड करता है, अभी मुझे कल क्या करना है उसके लिए रूटीन बना रहता है कि मैं कल जिम करूँगा या आउटडोर आउटडोर ट्रेनिंग करूँगा या प्रैक्टिस करूँगा, तो एक माइंडसेट वो अच्छा रहना चाहिए बस।